बैक अगेन। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बैरागी राइडर में, फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में, एक नई शाम। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखा, हम लोग ननुआ बेस कैंप से हम लोगों ने अभी क्रॉस किया है और हमने चेक पोस्ट क्रॉस करके अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बताया था आपको कि बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं होटल लेते हैं, हम लोग होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो पीछे है देखो बेस कैंप की तरफ, मैं बताता हूँ आपको बेस कैंप के लिए कैसे जाते हैं। पिछली बार जो था ऐसा कुछ नहीं था, इस बार ये शायद ये किया गया है मेरे ख्याल से बारिश के चक्कर में या स्टार्टिंग से ही बनाया। मतलब हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती ही है, हर साल दिखती है कि हाँ भी बेस कैंप या यात्रियों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें करके देते हैं। हर हर महादेव। आप लोगों ने होटल ले लिया और जो पिछली बार आप लोगों ने होटल देखा था हमने वही लिया है और हमें मिल चुके हैं सारे के सारे रूम। हम लोगों ने 5 रूम किए हैं 21 लोगों के लिए, तो अपने हिसाब से डिवाइड हो चुके हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ये कॉटेज जो था अपना, और ये फूल हरी भरी पत्तियाँ आपने यहाँ की फ़ोटो देखी होगी, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा मैंने यहाँ की फ़ोटो डाली हुई है। और ये अपने ललित भाई, और ये पहले हम लोग इस वाले में रुके हुए थे बट ये वाला हो चुका है ऑलरेडी सेट। तो अभी हमें दिखाता हूँ आप लोगों को कौन कौन से रूम मिले हैं। और ये पूरा व्यू है यहाँ का। एक रूम हमारा ये है, ये वाला रूम है, इसमें है 5 लोग, कुलदीप भाई, जीतू, ललित। एक रूम ये है और एक रूम ये है, ये तीनों आके पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ऐसे पड़े हुए जैसे पता नहीं कहाँ से चल के आए हैं। एक रूम ये हो गया और ये कोटेज का गेट हो गया, और ये अपना जो आप लोगों ने देखा था दीपक भाई, ये लेडीज का रूम हो गया, यहाँ पे सेटिंग चल रही है। कुछ भी हो जाए तो मत रखियो। और ये इसमें माता जी रुकेंगी इस रूम में। ओ हेलो, निकल यहाँ से और ये बेबू काट देगा तू। और ये जीना है यहाँ से, और ये जीना है, आएगा ही नहीं 5 सेकंड की क्लिप पे। ये बालकनी होगी अपनी, और एक रूम अपना यहाँ पे हो गया, ये रहा एक रूम। यहाँ पे सेटिंग चल रही है अपनी अपनी, व्यू ज़्यादा खास नहीं अपने यहाँ से ये है, पर फ्रंट वाला रूम होता था उससे व्यू आपने देखा ही था, पूरा का पूरा व्यू है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं नदी के पास, जैसे कि पिछली बार आए थे, और इस बार ग्रुप ज़्यादा बड़ा है, इस बार कोमल भी साथ में है मेरे, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और देखते हैं कैसे नहाते हैं सभी, मज़ा आएगा। फुल एंजॉय बेबी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं नदी के पास, और ये वाला व्लॉग मैं आईफोन से बना रहा हूँ, इसको मैं ट्रांसफर कर लूँ अपने फोन में। तो मज़ा आ रहा है पिछली बार की तरफ। पीछे का जो सीन देखो, जो कैमरा कैप्चर कर पा रहा पर मैं नहीं कैप्चर कर पा रहा, जो किरणें निकल रही है ना सन की, जो पहाड़ों के पीछे से बादलों के बीच में से, भाई साहब एक नंबर का मज़ा आ गया। चेहरा थोड़ा सा टैनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है चेहरे पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीछे वाले जो पहाड़ों के पीछे का टैनिंग था पूरा का पूरा। और यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं सारे, मामी यहाँ पे आ रही है पानी के साथ, और इधर वीडियो बन रही है भाई, बताते। हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा धोकर फाइनली। तो मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ व्लॉगिंग, ऊपर छज्जे में खड़ा होकर कर रहा हूँ, क्योंकि फिर माता जी भी बनाएंगी तो मैच हो जाता है। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, सब रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग जो अपना ट्रॉली बैग है, जो वैष्णो देवी का बैग है, वो हम लोग बस में पहुँचाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे भंडारे में खाना खाने के लिए, और थोड़ा सा घूम के आएंगे। और कल सुबह की हमारी ट्रैकिंग रहेगी, और ये ब्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, 15-20 मिनट का जो भी बनेगा हम लोग बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर भंडारे में ज़्यादा हो गया, 6-7 मिनट का ब्लॉग बनाते, उसको हम यही रात को खत्म कर देंगे, दूसरा ब्लॉग कल सुबह
कंटिन्यू करेंगे और जैसे भी होगा नदी के आपने व्लॉग देख लिए होंगे, नदी के आपने व्यू देख लिए होंगे, आसपास के व्यू आपने देख लिए होंगे। और आपको फोटोग्राफी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो करो और लाइक करो फोटो जैसी भी लगे, कमेंट करके बताना कैसी आप लोगों को फोटो लग रही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, फिलहाल अभी कुछ कहने को नहीं है। हर हर महादेव। और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं भंडारे की तरफ। फाइनली मैंने तुम्हारा ऐसा पकड़ लिया है ना, अभी फाइनली बोला करूँगा मैं हमेशा फाइनली को। भाई साहब समझ रहे हो ना, फाइनली को जैसे मेरे मैगी के छल्ले वायरल हुआ था ना, जैसे फाइनली को वायरल कर दो, ये मेरा एक फाइनल एक टाइटल हो जाता है ना, बोलना ही बोलना है। फाइनली 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 हम लोग निकल चुके हैं और आगे वाला ग्रुप भी जा चुका है, जब वो चल रहा है। और चार पाँच लोग जो गए हैं वो अपना जो वैष्णवी वाला बैग है बस में रखने गया है। चलो इस बार भी दिखाते हैं आप लोगों को अंदर का नज़ारा। फाइनली हम लोग कैंप के अंदर आ चुके हैं खाना खाने के लिए। रेडी भाई मेरे फाइनली से परेशान हो चुके हैं, बट थैंक यू इन्होंने मुझे एक वो दे दिया कॉमन टाइटल। तो चलो निकलते हैं अंदर की तरफ, माता जी आगे बना रही है व्लॉग तो वो मुझे बोलेंगी एक साथ हो गया है। तो चलो निकलते आगे की तरफ। बंदों से पूछते हैं उनको यहाँ के कैसा लगा और खाना कैसा लगा है। चलो पहले अमरजीत और अमरजीत की वाइफ से, कैसा लगा भंडारा जगह? हाँ भाई भोले बाबा की दया से बहुत अच्छा। हाँ जी चाली बात, एक नंबर की दाल, सिर्फ अभी तो दाल ही चखी है, रोटी और सब्जी तो बाकी है। चावल नहीं लाया? चावल नहीं खाता मेरा। हाय पवन पहली बार। दया बोलेगी कैसा? अभी अड़ी भाई कैसा लगा पहली बार? मजा आ गया, खा के देखो। अरे मामा जी कैसा लगा खाना, मजा आ गया? जैसे कि यहाँ पे आपको मेडिकल कैंप और सारी सुविधा मिल जाएगी, आपको सारी चीज़ मेडिकल, ये देखो कैंप है, नॉर्मल चेकअप, बीपी लो हाई लो जो भी है, और दालचीनी पाउडर, और मार्केट तो आप लोगों ने देख ही ली है। तो अभी हम लोग फिलहाल फाइनली जा रहे हैं अपने होटल में। तो जैसे भी ये इन्फॉर्मेशन हमें आपको दी है तो आप आएंगे ना भाई साहब, आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग कहीं आए नहीं, ऐसे लगे घर ही आए हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, हर छोटी से छोटी चीज़ जो आपकी डेली यूज़ की है, जो आप लोग ट्रैकिंग पे यूज़ करना चाहते हो वो सारी सारी आपको यहाँ मिल जाती है। खाना आप लोगों ने बंदों से जो जो नए अपने यात्री आए अपने साथ ग्रुप के उनके मुँह से सुन लिया वो खाना कितना टेस्टी है, तो ऐसा ही आगे भी चलेगा। पोस्ट पत्रिका तो आपको पता है कि कितना डिलीशियस खाना, और 108 तरीके की डिशेज होती है उनकी खुद की जो कि वो प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पर। फिलहाल हम लोग बाहर निकलते हैं और जाते रोड पे आप लोगों से मैं मिलता हूँ।